अच्छा, तो आज जो है हम सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे और कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है? देखें, अली इज़ नीट, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। इसके अंदर कोई एंड और आइदर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये एक सिर्फ तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। इसी तरह फिर कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगी कि अली इज़ नीट एंड अली इज़ क्लीन। तो यहाँ पे दो सिंपल स्टेटमेंट्स जब एक कनेक्टर से जुड़ जाती हैं, जैसे कि एंड है और है या कोई और ऐसा लफ्ज़, तो फिर उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स कितनी हैं? बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है हम टोटल चार चीज़ें पढ़ेंगे। कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन का मतलब है दो को मिलाना। ठीक है, और इसके लिए जो हम वर्ड जो हमारा कनेक्टर यूज़ होता है दैट इज़ एंड, और जो उसका सिंबल होता है लॉजिक में उसको हम डॉट कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी डॉट आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये किसके बारे में बात हो रही है, एंड के बारे में बात हो रही है, और एंड मीन्स कंजंक्शन। ठीक है, तो देखिए दो जिस तरह आपके पास जुमले हैं, अली इज़ नीट, तो इसको हम पी कह देते हैं। ठीक है, आपका प्रेडिकेट जिसको हम कहते हैं, या जिस तरह हम लोगों ने पीछे आप लोग पढ़ भी चुके हैं, हम इस पूरे इसको सिंपल स्टेटमेंट को कह देते हैं पी। फिर द सेकंड सिंपल स्टेटमेंट इज़ अली इज़ क्लीन, तो दैट इज़ क्यू। ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू राइट अली इज़ नीट एंड अली इज़ क्लीन, देन यू विल राइट पी डॉट क्यू, डॉट वुड मीन एंड। ठीक है, नाउ ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंजंक्शन। देखिए, हर जुमले की एक ट्रूथ वैल्यू होती है, क्या ये ठीक है, इज़ इट ट्रू और इज़ इट फॉल्स। तो क्या इसका जो स्टेटस है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, उस स्टेटस को आप क्या कहते हैं, उसकी ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। ठीक है, और तो अगर आप इसकी ट्रूथ वैल्यू देखें तो अगर अली नीट होगा तो ये पी जो है इज़ ट्रू। ठीक है, और अगर सच में अली क्लीन होगा तो इसकी भी जो क्यू की जो ट्रूथ वैल्यू है वो भी ट्रू है। लेकिन अगर अली इज़ नॉट नीट और अली इज़ नॉट क्लीन, तो फिर पी और क्यू की जो ट्रूथ वैल्यूज़ होंगी वो होंगी फॉल्स। इसी तरह अगर आप कंपाउंड की स्टेटमेंट की आप वो देखेंगे कि क्या इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो ये डिपेंड करेगी पी की ट्रूथ वैल्यू पे और क्यू की ट्रूथ वैल्यू पे। देखें किस तरह से, नाउ ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंजंक्शन, ये याद रखें, कंजंक्शन की बात हो रही है, एंड की बात हो रही है। एंड का मतलब होता है कि पहली वाली बात भी और दूसरी वाली बात भी, दोनों को इकट्ठे आपने लेके चलना है। तो ये क्या कह रहा है, द ट्रूथ वैल्यू वुड डिपेंड ऑन बोथ पी एंड क्यूज़ ट्रूथ वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तरह का एक ट्रूथ टेबल बनाएं, इसको हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। ठीक है, एक तरफ आप पी लिख रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्यू लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आप पी डॉट क्यू, मतलब पी एंड क्यू लिख रहे हैं। तो अगर आपका पहला वाला जुमला इज़ ट्रू, ठीक है, और दूसरा वाला जुमला भी ट्रू है, तो जो है आपका जो कंजंक्शन है वो ट्रू होगा। जैसे कि अली इज़ नीट एंड अली इज़ क्लीन, अगर दोनों सच में ट्रू हैं तो ही ये ट्रू होगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे अली इज़ नीट एंड अली इज़ नॉट क्लीन, ठीक है, अली इज़ नॉट क्लीन, अगर दरअसल वो क्लीन है, लेकिन यहाँ पे जो जुमला है सेकंड वो होता कि अली इज़ नॉट क्लीन, फॉल्स होता वो, तो ट्रू और फॉल्स के जब बीच में जब एंड लगता है तो वो पूरे के पूरे जुमले को फॉल्स बना देता है। इसी तरह दोनों अगर फॉल्स होंगे, दोनों एक ट्रू होगा, पहला वाला फॉल्स होगा, दूसरा वाला ट्रू होगा, तो भी ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स होंगे तो होगा ही फॉल्स। ठीक है, तो कंजंक्शन में सिर्फ एक जो है कॉम्बिनेशन जिसको आप कह सकते हैं या कंपाउंड स्टेटमेंट कह सकते हैं वो ट्रू होती है, वो कौन सी होती है, जिसमें पी एंड क्यू दोनों ट्रू होंगे, सिर्फ वो ट्रू होगी, देखें बाकी सारे फॉल्स हैं। सो अब हम दूसरे उसकी तरफ आते हैं, निगेशन क्या होती है। निगेशन का सिंपल मतलब है नॉट, ठीक है, जो आप कह रहे हैं उसका उल्टा, ठीक है, तो उसका उल्टा नहीं बल्कि नॉट, उसकी निगेशन, उसका नफी। तो इसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल वो इस तरह से है, जिसको हम उर्दू में अलिफ मद आ कहते हैं। ठीक है, ये तो उस तरह का टिल्ट, इसको इंग्लिश में टिल्ट बोलते हैं, बना हुआ है। अगर आपका जुमला है अली इज़ नीट, उसको हम पी कह रहे हैं, तो अगर आप उसका निगेशन बनाएंगे कि अली इज़ नॉट नीट, तो फिर आप उसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखें अगर पी ट्रू है तो उसका उल्टा जो है, उसका जो निगेशन है वो फॉल्स होगा, और अगर पी जो है वो फॉल्स है तो उसका जो निगेशन होगी वो ट्रू होगी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है, डिसजंक्शन का मतलब है और, या ये या वो, और इसका जो जुमले का, इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो ये है, वी इसको कहते हैं, या इसको इनवर्ट, इसको वो बोलते हैं, वेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें बुक में लिखा हुआ है कि इसको हम वेज बोलते हैं। तो अब डिसजंक्शन जो है ना, दो तरह की हो सकती है, और का जो लफ्ज़ है ना वो दो तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकता है। एक तो ये होता है कि वीक या इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है जो दोनों को, सबको इकट्ठा कर दे। ठीक है, इंक्लूजन, जिसमें सब शामिल हों।
तो उसमें क्या होगा कि बोथ पी एंड क्यू, मतलब पी भी और क्यू भी, सही है, दोनों को आप इकट्ठा लेके जा रहे हैं। और या फिर इस तरह होता है, दूसरा जो डिस्जंक्शन का टाइप है वो है वीक, स्ट्रॉन्ग और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, जिस तरह कहते हैं ना एक्सक्लूसिवली आपके लिए हम इसकी इतनी कीमत दे रहे हैं, अक्सर दुकानदार बोलते हैं, तो ये वो वाला एक्सक्लूसिव डिस्जंक्शन। उसमें क्या होता है, आइदर, इन दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, नेवर बोथ, कभी भी दोनों एक साथ नहीं। अब आपको इसकी समझ आ जाएगी बहुत आसानी से। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है कि सिक मतलब बीमार और अनएम्प्लॉयड, बीमार हो या और का मतलब है या अनएम्प्लॉयड हो आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। अगर कोई बंदा बीमार हो या वो अनएम्प्लॉयड हो, उसके पास जॉब ना हो, तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि या बीमार होगा या अनएम्प्लॉयड होगा। अगर एक बंदा दोनों होंगे तो क्या वो नहीं होगा? ऑब्वियसली अगर एक बंदा बीमार भी है और साथ में अनएम्प्लॉयड भी है, तो इसका क्या मतलब है कि उस वो तो ज़्यादा स्कॉलरशिप का हकदार है, ठीक है। तो इस जगह पे जो और है वो दोनों को अलग अलग नहीं कर रहा, एलिजिबिलिटी के लिए दोनों को अलग अलग नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या कह रहा है कि ये हो या दोनों हो। ये नहीं है कि सिर्फ इन दोनों में से एक होगा तो ही एलिजिबल होगा, इन ये दोनों में से एक भी हो या दोनों एक साथ हो, दोनों सूरतों में उसको स्कॉलरशिप बंदे को मिलेगी, ठीक है। तो ये कौन सा वाला, इंक्लूसिव या वीक? इंक्लूसिव का क्या मतलब है, इसको भी इंक्लूड कर रहा है और इसको भी इंक्लूड कर रहा है ट्रू होने के लिए, ठीक है। अच्छा, means if he is sick or if he is unemployed, चाहे वो बीमार है चाहे वो sick है, and obviously अगर अगर दोनों होगा तो भी तो वो डिजर्व करेगा, तो ये इंक्लूसिव हो गया। अच्छा, सेकेंड वाला है, एक बंदा है उसने हैट पहनी हुई है, ठीक है, तो द हैट इज रेड, या तो वो हैट रेड है और द हैट इज़ वाइट। अब आप मुझे बताएं कि या तो हैट रेड हो सकती है या तो हैट वाइट हो सकती है, क्या ये दोनों एक साथ हो सकती हैं? नो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन है, ये वाली, या ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। ये दोनों एक साथ भी ट्रू हो सकते हैं, ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, पी होगा या क्यू ट्रू होगा। तो हेयर आइदर पी और क्यू कुड बी ट्रू, बोथ एट द सेम टाइम कैंट बी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो और जो है ना डिसजंक्शन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको इसका वो करा देती हूँ, ट्रूथ टेबल करवा देती हूँ। अगर हम स्ट्रॉन्ग डिसजंक्शन की बात करें, मतलब एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन की बात करें, तो देखिए अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, तो इसको फॉल्स होना पड़ेगा। अगर ये ट्रू होगा, इफ़ द हैट इज़ रेड, तो इट इज़ अ मस्ट that the hat must not be white, तो ये फॉल्स होगा, तभी जाके इनका ये जो जुमला है ना वो सच होगा कि या तो हैट रेड है और या हैट जो है वाइट है, ठीक है। अगर एक चीज़ ट्रू होगी तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा इस पूरे कंपाउंड सेंटेंस को या डिसजंक्शन को ट्रू होने के लिए, ठीक है, अगर आप ये कहें। लेकिन और ऐसे भी हो सकता है कि द हैट इज़ रेड, ये जो द हैट इज़ वाइट इज़ फॉल्स और द हैट इज़ रेड, तो फिर यहाँ पे रेड वाला सही होगा और ये फॉल्स होगा, तो ही इन दोनों का जो ये जो मिलाप है वो ट्रू होगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स होंगे, मतलब द हैट इज़ वाइट और द हैट इज़ रेड, तो देखिए अगर देखें कि हैट वाइट भी नहीं है और रेड भी नहीं है, लेकिन ये जुमला क्या कह रहा है कि या तो रेड है या तो वाइट है, अगर दोनों नहीं है तो ये जुमला भी फॉल्स हो गया कि ना तो रेड है और ना तो वाइट है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये या है रेड है और या वाइट है, इन दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक भी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक। और अगर आपको ये कहे कि द हैट इज़ रेड और द हैट इज़ वाइट और दोनों अगर सही बात हो, अगर ठीक है, तो ये भी इम्पॉसिबल सी बात है कि या तो ये होगा ट्रू या तो ये होगा, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ये जो जुमला है जो कह रहा है कि या ये, तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक हो गया। तो याद रखें, जहाँ जहाँ वेज होगी तो उसके ट्रू होने के लिए ज़रूरी है कि एक ट्रू हो तो दूसरा फॉल्स हो, देखें एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है तो ही ट्रू है। तो इसमें सिर्फ दो केसेस ट्रू होते हैं जहाँ दोनों इकट्ठे ट्रू और ट्रू नहीं होते या फॉल्स नहीं होते। अगर दोनों इकट्ठे ट्रू और फॉल्स होंगे तो ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे। सिर्फ ट्रू के लिए क्या ज़रूरी है कि इन दोनों में से एक ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, ठीक हो गया। लेकिन अगर वीक डिसजंक्शन होगी ना, वीक डिसजंक्शन को मैं आपको इस वजह से नहीं कराती, हालांकि ये मैं आपको करा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं करा रही क्योंकि आप आगे एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको इसमें कन्फ्यूजन होगी। लेकिन आप समझ लें ना, जुमले को समझ लें, अगर आपके पास लिखा हुआ जुमला आएगा ना इस तरह से कि आप इसको बताएं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर तो आपके लिए आसान होगा वीक और स्ट्रॉन्ग डिसजंक्शन को अलग अलग करना, जिस तरह मैंने आपको हार्ट का और इसका बताया एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपके पास जुमला नहीं आएगा और इस तरह पी और क्यू
वाले सिंबल्स आएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इस वाले साइड को नहीं कर रहे।